हेलो ब्यूटी केयर में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और स्किन और हेल्थ की दुनिया की जानकारी आप यहां पा सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जितनी फिट है उतनी ही खूबसूरत भी है। उम्र के साथ उनकी फिटनेस और ब्यूटी निखरती जा रही है। 40 की उम्र पार करने के बावजूद शिल्पा की खूबसूरती और फिटनेस में कोई कमी नहीं आई है। फिटनेस के लिहाज से वे आज भी अपने फैंस के लिए आदर्श हैं। अपने फिगर, सेहत और योग के लिए दुनिया भर में उनकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। शिल्पा शेट्टी कहती हैं, अक्सर लोग मुझसे यही जानना चाहते हैं कि मैं क्या खाती हूँ, कितना वर्कआउट करती हूँ, तो हमेशा मैं उन्हें अपनी फिटनेस का श्रेय योग को देती हूँ और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए योग और व्यायाम पर विशेष ध्यान देती हूँ। शिल्पा ने बताया कि मैं डाइटिंग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, इसकी बजाय मैं हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेती हूँ। ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन युक्त आहार पर मेरा विशेष जोर होता है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन शुगर और ब्राउन पास्ता आदि। शिल्पा ने कहा कि वर्कआउट स्टेशन के दौरान प्रोटीन शेक पीती हूँ। साधारण चाय की बजाय ग्रीन टी लेना मुझे पसंद है। पैकेट बंद ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करती हूँ। आपको शायद यकीन ना हो मगर सप्ताह में मैं 6 दिन हेल्दी खाना खाती हूँ, जिसमें शाकाहारी पौष्टिक भोजन ही शामिल होते हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। शिल्पा का कहना है कि रविवार के दिन मैं कोई भी डाइट नहीं फॉलो करती, इस दिन कुछ भी पसंद का खाती हूँ। डाइट के साथ साथ शिल्पा अपनी त्वचा का भी विशेष ख्याल रखती हैं। वे अपने घर पर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। सुबह उठकर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोने के बाद शिल्पा मॉइस्चराइजर जरूर लगाती हैं। चेहरे के मेकअप को उतारने के लिए बेबी ऑयल और नारियल तेल का इस्तेमाल करती हैं। शिल्पा योग के बाद सुबह सुबह एलोवेरा जूस भी पीती हैं। शरीर का वजन कंट्रोल में रहे इसके लिए वे दिन भर गर्म पानी पीती हैं। तो आप भी शिल्पा शेट्टी की इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं और उन जैसी फिगर, सेहत और स्किन पा सकती हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।